सो हेलो फ्रेंड्स, वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो जो लोग वे ऑफ लाइफ के चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ढेर सारा प्यार और मोहब्बत दीजिए। हम इसी तरह से प्रोत्साहित होकर आपके लिए हर बार नया वीडियो लेके आते हैं। तो इस बार भी जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम जनरली हमेशा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की बात करते हैं, बट आज हम जो बात करेंगे ना, वो वाइटामिन की बात करेंगे। और उस वाइटामिन में भी वाइटामिन B12। जो वाइटामिन B12 क्यों हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इतना ज़रूरी है, वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, वाइटामिन B12 के सोर्सेज क्या क्या हैं, वाइटामिन B12 जब हम टेस्ट करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं, वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमको क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात स्टार्ट करते हैं वो ये है कि वाइटामिन B12 क्यों ज़रूरी है हम लोगों के इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो जो वाइटामिन B12 है ना, वो वाइटामिन B12 क्या करता है, तो वाइटामिन B12 के मैं कुछ आपको फंक्शंस बताता हूँ। तो वाइटामिन B12 जो है ना, वो आपकी बॉडी में RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, आपके ब्लड में जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल, उसका प्रोडक्शन करता है। मतलब अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपकी बॉडी में जो खून बनाने का काम करता है ना, वो वाइटामिन B12 करता है। वाइटामिन B12 का दूसरा काम क्या है, यह आपकी बॉडी में आपके DNAs बनाने में मदद करता है। वाइटामिन B12 का और यूज़ क्या है, वाइटामिन B12 आपकी बॉडी में आपके बॉडी को और आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यह आपकी बॉडी को डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है, आपके मेंटल हेल्थ में बहुत मदद करता है, आपके नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करता है, आपके न्यूरो जो इश्यूज़ हैं उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। सो वाइटामिन B12 है ना, ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब वाइटामिन B12 जैसे हमने बताया कि क्यों ज़रूरी है, ये रेड ब्लड सेल बनाता है, DNAs बनाने में हेल्प करता है, आपकी सेल्स को आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, नर्वस सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब के लिए ये बहुत बेहतरीन वाइटामिन है। अब अगर वाइटामिन B12 इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसीज हम कैसे पता करें कि यार हमारी बॉडी में वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। जब तक हम टेस्ट नहीं कराते तब तक हमको नहीं पता चलता, बट ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसे क्या है हमारी बॉडी में फ़र्क पड़े जिससे हम ये पता कर सकें कि यार हमारी बॉडी वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो इसको मैंने है ना 3 स्टेजेस में डिफाइन किया हुआ है कि वाइटामिन B12 अगर डेफिशिएंसी है, तो पहले स्टेज में अगर आपको वीकनेस लग रहा है, या आपको टायर्डनेस लग रहा है, या आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, या आप बहुत फटीग फील कर रहे हो, ये आपका वाइटामिन B12 का फर्स्ट जो फंक्शन है, वाइटामिन B12 का फर्स्ट जो दिक्कत है वाइटामिन B12 ना होने का, इससे पहला रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में ये चीज़ें होती हैं कि आप लेथार्जिक फील करो, वीकनेसेस आ जाएं, आप कुछ भी काम करो तो आपको थकान लगने लगे, ये पहला स्टेज है। जो दूसरा स्टेज है उसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है ना, आपकी बॉडी में नंबने जाने लगती है, मतलब आपकी बॉडी सुन पड़ने लगती है। मतलब आप कहीं बैठे हुए हैं एक जगह तो थोड़ी देर बाद आपके हाथ पांव सुन हो जाएंगे, या तो आपकी बॉडी में टिंगल्स होने लगे, टिंगनेस जिसको हम बोलते हैं, मतलब आपके हाथ पांव में झुनझुनी स्टार्ट हो जाना जिसको हम बोलते हैं। आप कहीं बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे मेरे हाथ पांव में क्या हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपके मुंह में छाले पड़ना जिसको हम बोलते हैं, या तो फिर आपकी जो स्किन टोन हो, वो स्किन टोन आपका पीला पड़ते जाना, ये जो डेफिशिएंसीज है ना, ये डेफिशिएंसीज बताती हैं कि आप जो इंटरमीडिएट जो स्टेज है आपकी डेफिशिएंसी का, वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी के इंटरमीडिएट स्टेज पर आप पहुंच गए हो। पहला स्टेज तो जैसे है वीकनेस है, टायर्डनेस है, यहाँ से अब बात आगे बढ़ गई है। अब बात आगे है कि आपको नंबनेस होने लगा, आपको आपकी बॉडी में टिंगलिंग इफेक्ट आने लगी, झुनझुनाहट होने लगी, हाँ आपके आपका स्किन पीला पड़ने लगा। और जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज क्या होता है, जो सेकंड स्टेज होता है वो और एग्रीगेट स्टेज में हो गया। मतलब आप थोड़ी देर भी बैठो तो आपके हाथ पांव सूनने होने लगे, ठीक है, आपकी स्किन का कलर, स्किन टोन बहुत जल्दी चेंज होने लगे। और इसको हम अगर 3 पार्ट में डिफाइन करें तो, और थर्ड स्टेज में जब आप पहुँच गए, जब B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगी आपको, तो ये जनरली 3 चीज़ों पे इम्पैक्ट करती है। पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा न्यूरो सिस्टम, और जो तीसरा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस फील होगा अगर B12 की डेफिशिएंसी है। न्यूरो
जो है नर्वस सिस्टम के बाद न्यूरो सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करता है, तो न्यूरो सिस्टम पे ये ऐसे इफेक्ट करता है कि आपको डिमेंशिया के इश्यूज आने लगे, या तो आपको नोशियाज की दिक्कत आने लगे, या तो आपको मेमोरी लॉस होने लगा, आपको कुछ याद नहीं रहता, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। ये सब जो इश्यूज है ना वो B12 की थर्ड स्टेज की डेफिशिएंसीज हैं। और जो तीसरा स्टेज हम जिसको बोलते हैं, इसी थर्ड स्टेज का जो तीसरा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आपका एपेटाइट कम हो जाना, आपको भूख ना लगना, उसके बाद आपका जो लीवर का साइज है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होने लगना, आपके जो टंग है जो जीभ है उसकी थिकनेस बढ़ जाना, तो ये सब जो डेफिशिएंसीज है ना वो ये आपको संकेत देती हैं, वो आपको ये बता रही हैं कि आप B12 की हाई डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं कि ये हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जब बात अब हाथ से निकलने की बारी आ गई है, सो आपको तुरंत टेस्ट करवाने चाहिए। अब टेस्ट हम क्यों करवाते हैं, जनरली हम B12 के टेस्ट क्यों करवाते हैं, B12 का टेस्ट कब करवाना चाहिए, और B12 की रिक्वायरमेंट कितनी है, हम ये अब तीनों चीज़ पे बात करेंगे। तो अगर आपकी बॉडी में एनीमिया का इशू है, मतलब आपकी बॉडी में अगर खून की कमी है ना, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप B12 चेक कराएं, या तो अगर आपने किसी और चीज़ के लिए, मतलब आपकी बॉडी में कोई और दिक्कत है और आपने CBC रिपोर्ट करवाया, और उस CBC रिपोर्ट में अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम आया, या तो आपका RBC काउंट कम आया, उस केस में भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप B12 को एक बार चेक कराइए। जो थर्ड होता है वो थर्ड स्टेज में ऐसा होता है कि आपको अगर कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, मतलब आपको अगर मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड इशू हैं, तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में भी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक बार B12 को चेक कराइए। अब B12 चेक कराने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, तो आपका स्टमक है ना वो 8 से 10 घंटे एम्प्टी होना चाहिए, तब वो बहुत रिजल्ट आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। मतलब अगर आपको B12 का सही से चेक करना है इसकी एफिशिएंसी के साथ, तो आप अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप इसको ब्लड दीजिए और चेक करवाइए, ये बेस्ट टाइम होता है आपका B12 चेक कराने का। अब B12 की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो B12 है ना वो जनरली 160 से लेके 950 पिकोग्राम पर ml के आसपास रहता है, 160 से 950, अगर हम 450 के आसपास हैं तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है हमको B12 के रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम देखें, जनरली हम देखें ना, तो जितने भी शाकाहारी लोग हैं, मतलब जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं ना, उन मैक्सिमम वेजिटेरियन लोगों में B12 की डेफिशिएंसीज होती हैं। अब एक्चुअल ये क्यों होता है B12 की डेफिशिएंसीज, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको एनीमिया का इशू है तो आपको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या आपका डाइट्री इंटेक सही नहीं है, मतलब अगर आप सही से B12 नहीं ले रहे हो आपके खाने में जितना आपकी ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि जो वेजिटेरियन लोग हैं जो प्लांट बेस्ड फूड पर निर्भर करते हैं, उनको B12 का जो इंटेक है वो बहुत कम रहता है, इसके लिए इस केस में भी आपको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपका कभी गैस्ट्रिक सर्जरी हुआ है उस केस में भी आपको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उस केस में भी B12 की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। तो अभी इसका सोर्स क्या, हम B12 कैसे ले सकते हैं, तो जनरली जो वेजिटेरियन लोग हैं ना उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, वहाँ से उनको थोड़े अमाउंट में B12 मिल सकता है। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो एग्स मीट ये सब लेते हैं, उनको B12 की डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती है, क्योंकि B12 ज़्यादातर एनिमल बेस्ड चीज़ों में से हमको मिलता है। तो प्लांट बेस्ड जो इंटेक करते हैं, जो वेजिटेरियन हैं, जो वीगन हैं, उनको हमेशा B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है। मतलब मोस्ट 90-95% लोग जो रहते हैं जो वेजिटेरियन हैं, उन सभी में आजकल ये इश्यूज देखे जाते हैं। तो अब अगर ये इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि जो नॉनवेज खाते हैं उनमें दिक्कत नहीं होती है, मैंने कहा ना कि ये आपके DNA से रिलेट करता है, ये आपके बैक्टीरियल ग्रोथ इस पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे आपका B12 अफेक्ट हो सकता है, लेकिन वेजिटेरियन में हमेशा ज़्यादा देखा गया है। तो अब इसका उपाय क्या, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि इसको अगर आपकी B12 की डेफिशिएंसी है ना, तो इसका एक ही उपाय है कि आप इसको एज अ सप्लीमेंट इसको आपको दिया जाए, और उसके तीन तरीके होते हैं। आपको इंजेक्शन के फॉर्म में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, या आपको ओरल प्रिस्क्राइब करता है, या तो फिर आपको ये प्रिस्क्राइब करता है आप उसको नज़ल स्प्रे के फॉर्म में लीजिए। बट जो बहुत दो तरीके हैं, एक इंजेक्शन और एक ओरल, ये हमेशा पिछले इतने सालों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो
जो इंजेक्शन की बात आती है ना, तो उसमें दो तरह के इंजेक्शन होते हैं इसको जो, अच्छा मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं कि जो B12 होता है ना, वो B12 का साइंटिफिक नेम है कोबलामिन, इसको हम कोबलामिन कहते हैं। तो जो इंजेक्शन होता है ना, वो साइनोकोबलामिन या हाइड्रोकोबलामिन की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। जनरली आपको साइनोकोबलामिन इंजेक्शन आपको दिया जाता है, और वो पहले आपको अल्टरनेट दिया जाएगा, मतलब आपको आज दिया, फिर एक दिन का गैप छोड़ के दूसरे दिन दिया गया, फिर एक दिन का गैप छोड़ के आपको इस तरह का गैप छोड़ के आपको इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन उस केस में देते हैं जब आप B12 की डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है B12 की, तो उस केस में आपको डायरेक्ट इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर उसको मेंटेन करने के लिए हर मंथ और फिर हर क्वार्टर इस तरह से आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो ओरल कंज्यूम करते हैं, जिनको B12 की डेफिशिएंसी है लेकिन उतनी नहीं है, सीवियर केस में नहीं है, उनको डॉक्टर लाइफ टाइम के लिए B12 ओरल मेडिसिन हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं। आजकल जनरली देखा गया है कि B12 बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट 99% लोग B12 को कंज्यूम करते ही हैं, उन्होंने एज अ डाइटरी इंटेक उनको बना लिया है कि B12 अगर इतना इम्पोर्टेंट है और अगर एक गोली से आपको इतनी सारी अगर दिक्कतें कम हो रही हैं, तो वो ऐसे सप्लीमेंट लेना बेटर है। और जो थर्ड है, जो नेसल स्प्रे है, जो नेसल स्प्रे के रूप में भी दिया जाता है बट वो इतना प्रचलित नहीं है। तो दो हैं, एक आप इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दीजिए, दूसरा ओरल फॉर्म में दीजिए। आपको मैंने बता दिया कि इसका बेस क्या है, एनिमल बेस्ड चीज़ें हैं या आपको मीट एग्स वहाँ से आपको मिलेंगी ये चीज़ें। एनिमल बेस्ड प्लांट बेस्ड जो चीज़ें हैं, प्लांट बेस्ड में से आपको B12 मिलना बहुत मुश्किल है, सो उसको एज अ सप्लीमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो आज का मेरा टॉपिक था वो यही था कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ, एनलाइटन कर सकूँ कि B12 जिसकी हम बात हमेशा करते हैं, आजकल आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाओगे ना, वो हमेशा आपको कहेगा कि आप पहले B12 चेक कराइए, क्योंकि B12 ऐसा है ना कि B12 की डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सो इट इज़ मस्ट टू चेक B12। अब आपके रूटीन में भी हर 3 महीने पे एक बार B12 चेक कराइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, वहाँ से आपको टारगेट पता चलेगा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, और B12 को कैसे हम मेंटेन करके रखें। सो आई होप ये जो वीडियो आज हम लेके आए हैं B12 की डेफिशिएंसीज और उसको ओवरकम कैसे करें, वो आपको हेल्प करेगा। इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के पास लेके आऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर बना के नया वीडियो आप सबके सामने लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और किसी नए टॉपिक पे, बहुत एनकरेजिंग टॉपिक पे हम वापस बहुत जल्द यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।